जिंदगी की भागम भाग, जिंदगी की कशमकश, बस एक ही रास्ता बचता है, मुझे सीधे गुरुजी के पास जाना ही चाहिए। अब आश्रम में ये पाइप तो अलाउड नहीं है, मुझे पाइप कहीं रखना होगा वरना गुरुजी बुरा मान जाएंगे, हालांकि जानते तो सब हैं। चलो मैं इसको कहीं छुपा देता हूँ। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान राजन, आयुष्मान। जब भी मेरे मन में कोई शंका आशंका या कोई अंतर्द्वंद चल रहा होता, मैं सीधे आपके पास पहुंच जाता हूं गुरुजी। हाँ, जब अंधेरा आता है बस तभी आवश्यकता होती है प्रकाश की। आपकी बातें मेरे रास्ते की सारी अड़चनें हटा देती हैं और मैं एक जो धुंधलका मेरे दिमाग में होता हट जाता है, मैं बहुत क्लियर हो जाता हूँ और सारी समस्याएं मेरी दूर हो जाती हैं। मुझे मालूम है कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरे गुरु जी कर देंगे, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे मिलने के बाद ही बिल्कुल सही सही डिसीजन ले पाता हूँ। जब तुम कार में चलते हो और अचानक कोई एक चक्का पंक्चर हो जाए तो डिक्की में रखी हुई स्टेपनी तभी तो याद आती है, वरना उस स्टेपनी का तो कोई काम ही नहीं। जब तक चक्के चल रहे हैं, जब तक समय की गति चल रही है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, जब तक प्रकाश आ रहा है, क्या जरूरत है अधिक प्रकाश की। पर गुरुजी, मैं हमेशा उसके बाद भी मैं आपके पास ही क्यों आता हूँ? शायद मुझे लगता है कि आप मेरे लिए वो लाइट हाउस हैं, वो लाइट हाउस हैं जो एक समुद्र में जाते हुए जहाज को रास्ता दिखाता है और समुद्र में आड़े वाले बहुत सारे षड्यंत्र या बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं उससे मुझे बचा लेता है, तो मैं हमेशा आप ही क्यों आता हूँ गुरुजी? राजन, तुम ठहरे व्यापार जगत के एक चमकते हुए सितारे और मैं एक सन्यासी, मेरी आवश्यकता कहाँ पड़ती? और फिर तुम अपने आप में सक्षम हो बेहतरीन निर्णय लेने के लिए, और इसीलिए तो तुम बिजनेस में, व्यापार में हमेशा ऊंचाइयों पर। और फिर तुम्हारे लिए हुए निर्णय तुम्हारी सफलता की नित नई गाथा लिखते हैं और हर बार मुझ जैसे जहाज को आप भटकने से बचा लेते हैं। पर गुरुजी, आप जानते हैं ना कि टॉप पे रहने पे आप बिल्कुल अकेले होते हैं, आसपास भीड़ तो बहुत होती है, हर तरफ आदमी, आपके कर्मचारी, आपके रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त सब होते हैं, लेकिन भीड़ बहुत होती है, फिर भी आप अकेले ही होते हो, आप तो जानते हैं ना गुरुजी। भरा पूरा परिवार, अच्छे दोस्त, प्यार करने वाले कर्मचारी और दौड़ता हुआ व्यापार, उसके बाद कहीं कोई समस्या, अकेलापन, कुछ तो असामान्य है। गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मन की बात पढ़ लेते हैं, आप मेरे मन की बात जान जाते हैं। राजन, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, आई नो, बट आई स्टिल वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम योर माउथ। मैं तुम्हारे मुखारविंदु से सुनना चाहता हूं, समस्या तुम्हें कहाँ दिखाई देती? मेरी समस्या गुरुजी, आप समझिए, मेरे पास आज सब कुछ है, जो चाहता हूँ पा लेता हूँ, जो कोशिश करता हूँ मिल जाता है, जहाँ भी हाथ डालता हूँ हर चीज़ में मिल जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, जितना चाहूँ उतना खर्च करूँ, जाना जहाँ जाना चाहूँ चला जाऊँ, जिससे मिलना चाहूँ मिलूँ, ना मिलना चाहूँ ना मिलूँ, बस सब कुछ है, फिर भी कुछ कुछ ना कुछ खलता रहता है गुरुजी, मेरा कुछ अकेलापन, मतलब इतना कुछ पाने के बाद भी लगता है कुछ कुछ कमी रह गई, कुछ रह गया, कुछ है जो नहीं पा पा रहा हूँ, एक मन के अंदर अशांति है गुरुजी, बस चलती रहती है, अशांत है मन, बहुत अशांत है गुरुजी, अकेलापन है। और ऐसी निराशाजनक बातें मस्तिष्क में फिर क्यों आती? जहां जाना चाहूं चला जाऊं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पावर, पैसा, शक्ति, कर्मचारी, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी गुरुजी शांति नहीं है, शांति नहीं, भीड़ है, इकट्ठे हैं लोग, बहुत आसपास है दोस्त, नंबर अकेलापन है, अकेलापन है। अब अगर तुम्हारे व्यापार की भाषा में मैं समझाना चाहूं तो देयर इज एन ऑल्टरनेट कॉस्ट फॉर एवरी डिसीजन। व्यापार में और इवन जिंदगी में भी तुम जो निर्णय लेते हो उसकी एक ऑल्टरनेट कॉस्ट होती है, अर्थात तुम तो जानते ही हो जो निर्णय तुम लेते हो उसके पीछे दूसरा निर्णय जो तुमने नहीं लिया, एक और निर्णय जो लिया जा सकता था, बहुत नजदीक था निर्णय के, लेकिन
तुमने नहीं लिया तो उस निर्णय को छोड़ने की एक कीमत होती, तो जो तुमने निर्णय लिया उसकी कीमत वही थी जो तुम निर्णय लेना चाहते। अब चॉइस तुम्हारी ही थी, निर्णय तुम्हारा ही था, समय तुम्हारा ही था, व्यापार भी तुम्हारा है, परिवार भी तुम्हारा है, दोस्त भी तुम्हारे, मित्र भी तुम्हारे, कर्मचारी भी तुम्हारे, और ये दुनिया जो तुमने गढ़ी है वो दुनिया भी तुम्हारी है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राजन, आज तुम्हारी हालत उस रेस के घोड़े की तरह हो गई है जिसपे हर कोई दांव लगाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है ये घोड़ा जीतेगा ही जीतेगा। लगातार दौड़ रहा है, लगातार जीत रहा है, लगातार व्यापार में सफल होता जा रहा है, तो इस घोड़े पर हर आदमी दांव लगाने को तैयार है। हारते हुए घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता, तुमको भी पता है। और कभी कभी गुरुजी लगता है कि मैं बस अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, सारा काम मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं अपने लिए क्या कर पाया, कुछ भी नहीं, ढूंढता हूँ, पाता हूँ, देखता हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, मैं बस दूसरों के लिए जिए चला जा रहा हूँ। ये व्यापार एक मृग मरीचिका की तरह है, हर सफलता एक नई सफलता को जन्म देती है, व्यापार अपनी ओर खींचेगा और जब उसे हासिल कर लोगे तब एक नई ऊंचाई अपनी तरफ खींचेगी। तुमको लगेगा मुझे अभी और आगे जाना है, और इसी भागम भाग में कब जीवन व्यतीत हो गया पता ही नहीं चलेगा। तभी तो आपके पास आया हूं गुरुजी, कोई तो सॉल्यूशन, कोई तो रास्ता, कोई तो हल होगा मेरी समस्याओं का, मेरी इस नेवर एंडिंग रेस का जिसमें मैं बस भागता ही चला जा रहा हूं। है उपाय, है बहुत आसान उपाय, दो उपाय, कठिन भी आसान भी, कौन सा पहले जानना चाहोगे, आसान वाला या कठिन वाला? मुझे आप मुझे दोनों बताइए, पर पहले पहले आसान वाला बताइए, पहले आसान बताइए। तो ठीक है, पहले आसान रास्ता बताता हूं, बहुत आसान है, जो कर रहे हो वही करते रहो। अब ये क्या बात हुई गुरुजी, फिर मुझे फायदा क्या हुआ यहाँ आने का? हाँ, दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर दो, कुछ बोझ कम कर लो काम का, अपने कामों को बांटना शुरू कर दो, कुछ काम अपने नीचे काम करने वालों में बांट दो, कुछ अपने रिश्तेदारों में बांट दो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर क्षण का आनंद लेकर जियो, हर क्षण का आनंद। अब गुरुजी आपका ये आसान वाला रास्ता मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत कठिन है, तो बेहतर है आप मुझे दूसरा वाला मुश्किल वाला रास्ता बताइए, शायद वो मुझे आसान लगेगा। आप जल्दी से जल्दी बताइए मुझे दूसरा वाला रास्ता। भला इस आसान रास्ते में क्या मुश्किल है? अपना काम दूसरों को दे दूं, ये तो संभव ही नहीं गुरुजी। अगर मैंने ऐसा कर दिया मेरे अपने बिजनेस सीक्रेट्स सब पता लग जाने, मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, कैसे सक्सेसफुल, ये तो मैं किसी को बांट ही नहीं सकता, तो ये नहीं, आप दूसरा रास्ता बताइए। तो सुनो राजन, दूसरा रास्ता कठिन, सब कुछ त्याग दो, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये दौलत, ये परिवार, ये रिश्ते, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ो, कर पाओगे? ये कैसा ऑप्शन है गुरुजी? इसके बिना मेरा वजूद क्या, इसके बिना मुझे पूछेगा कौन, मुझे ना कोई जानेगा ना पहचानेगा, ये तो आपने मुझे अजीब सी स्थिति में खड़ा कर दिया, मैं करूं तो करूं क्या, आपकी बात मानूं, कौन सी मानूं, मानूं या ना मानूं? राजन, मैंने पहले ही कहा था देयर इज एन अल्टरनेट कॉस्ट फॉर एवरी डिसीजन, और आर यू विलिंग टू पे फॉर इट, क्या तुम इसके लिए त्याग करने को तैयार हो? हर चीज की एक कीमत होती है, एक अल्टरनेट कॉस्ट होती है, खुशियां चाहिए बहुत कुछ छोड़ना होगा, पद प्रतिष्ठा पैसा चाहिए, अधिकार चाहिए तो भी बहुत कुछ छोड़ना होगा, निर्णय तुम्हारा ही होगा, निर्णय तुम ही लोगे, तुम ही डिसाइड करोगे तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, सही भी
गलत भी, अशांति भी, शांति भी, सुख भी, दुख भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अब मैं जीना चाहता हूँ, जिंदगी को जीना चाहता हूँ अपने लिए, अपने लिए। स्वर्ग भी जाना चाहते हो, मरना भी नहीं चाहते, कैसे संभव? यहाँ सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर कुछ कुछ सबको अवश्य मिलता। Now the problem is yours and solution is with you. निर्णय तुमको ही लेना है, तुम ही डिसाइड करोगे, और मेरा सांध्य पूजा का वक्त हो रहा है, मैं चलूंगा। ठीक है गुरुजी, चलता हूं, मुझे भी सोचने का वक्त दीजिए। प्रणाम गुरुजी। और हाँ, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान राजन।